ऐसा जैसे कौस्तु भी कह रहे थे कि 2071 का इनका टारगेट है। मक्वायरी ने एक आउट परफॉर्मर की रेटिंग दी है, टारगेट यहाँ पर 2059 का आया है। मक्वायरी कह रहा है कि यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ पर फोकस रहेगा और जैसे जैसे कंपनी अपने पेनिट्रेशन को और डीपन कर रही है रूरल मार्केट में, उसका फायदा वॉल्यूम्स में जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि ये भी नोट कीजिएगा कि मक्वायरी का पहला जो टारगेट था वो 2086 का था, उसको अब घटाकर वो 2059 कर रहे हैं, लेकिन ईदो वेस्ट 2000 के ऊपर की बात इन्होंने की है। सीएलएसए ने आउट परफॉर्मर की रेटिंग दी है, 2010 का इन्होंने जिक्र किया है। ओवरऑल अर्निंग्स इनके फोरकास्ट से इनलाइन है और साथ ही साथ जो 10% की वॉल्यूम ग्रोथ है वो काफी सराहनीय है, ये सीएलएसए कहता है। क्रेडिट स्विस न्यूट्रल रेटिंग के साथ जाएगा लेकिन 1900 का टारगेट है। उनको लग रहा है ये क्वार्टर स्टेडी था लेकिन आगे थोड़ा सा स्लो डाउन की चिंता है, वो इस समय दिखाई नहीं दे रही है लेकिन दे जस्ट फैक्टरिंग द वर्स्ट। जेफरीज ने होल्ड का कॉल दिया है और जेफरीज ने इनफैक्ट अपना टारगेट, जेफरीज सबसे ज्यादा नेगेटिव था इस कंपनी पर, 1650 का टारगेट आपको याद होगा पहले का इन्होंने दिया था, अब इन नंबर्स को देकर 1770 पर लाए हैं और उनको लगता है कि आगे चलकर कंपनी के मार्जिन्स और भी बेहतर होने की पूरी पूरी गुंजाइश है, इसीलिए वो टारगेट बढ़ता हुआ। ठीक बात है, तो नजर रहेगी आज HUL पर।